सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी ट्रेलवी नप्पद वाचिंग मी ऑन पंजाबी रील टीवी जी। सो गाइज आज एक होर रिएक्शन वीडियो तो अगे लैके हाजिर हो गए हैं तो सारे ने अपने चैनल इन्ना प्यार करते हैं यार, बहुत बहुत थैंक यू सो मच यार। तो मैं कहना भी अज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो हैगी है हादिया हाशमी जो कि एक तुम्हें पता पाकिस्तान की एक बहुत ही छोटी जी एक कुड़ी है, बड़ी क्यूट जी कुड़ी है तो वह गाने गाँवी है, मतलब सिंगर है एज ए प्रोफेसनल। तो इन्ना वधिया गाँवी ने उनकी आवाज़ इन्नी कैंट है यार, आप सारे ने कोक स्टूडियो उन्होंने सुनिया सी है ना, तो इन्ना घेंट उन्होंने आवाज़ है, उन्हों की जो गले की टोन है ना, जो वोकल्स है जबरदस्त है। तो उन्होंने एक सोंग है, एक स्टेज परफॉर्मेंस वो अच्छे तो देखनी है। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैनल में हमने सबसक्राइब कर लो, प्लीज़ डू सबसक्राइब नाउ। सो वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी दे, लेट गैट स्टार्ट। ओके सैड सोंग है यार इन्हां दी जो सिंगिंग है किन्नी इंप्रूवमेंट है इन्हां दी सिंगिंग दे विच। तुसीं जेकर ध्यान नाल इन्हां दी आवाज़ हैडफोन लगा के सुनो ना इस सॉन्ग नूं, बहुत यानी एक मैनूं एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा बट आई रियली लाइक्ड इट। एंड ये पाकिस्तानी आर्मी नूं जो एक ट्रिब्यूट आ उत्थों दे जवानां नूं शहीद होए जिहड़े जवान उन्हां नूं। I got goosebumps guys। Ladies and gentlemen, please put your hands together for the 8-year-old wonder Hadiya Hashmi। ओ गाइस सो ये सी अज दी वीडियो, बड़ी छोटी जी सी यार, मैनू टाइम दा पता ही नहीं लगा कदों टाइम गुजर गया। 3 मिनट दी वीडियो सी, 3 मिनट सीरियसली आई डोंट नो कदों पूरे हो गए। अमेजिंग, आई थिंक ये कोई प्रोग्राम चल रहा, कोई इवेंट चल रहा एंड आई थिंक उहदे विच आर्मी दे जो ऑफिसर्स आ वो भी आए हुए आ एंड मे बी शायद कोई आर्मी दा ही जो एक इवेंट आ उत्थे इन्हां ने परफॉर्मेंस दित्ती आ अपनी। तो इस परफॉर्मेंस दे विच आपां देखिआ कि किन्ना एक इमोशनल इन्होंने जिहड़ी सिचुएशन क्रिएट की है ना, किन्नी एक सेंसिटिव चीज़ बनाई है इन्हें। पहली गल तो जिहड़ा यार इन्हां दी आवाज़ है ना अज दे सोंग विच, सीरीयसली मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब इन्नी वधिया कंपोजिशन बनाई है, इन्ना वधिया गाया, क्योंकि जिहड़ा एक वधिया सिंगर हुंदा ना उहदी गाउन दी टोन तों ही आपां नूं पता लग जांदा हुंदा। जिहड़ा इन्हां दे एक सिंपल चीज़ नूं, मतलब एक सिंपल जो एक लय विच एक टोन विच गाउणे आ उहदे विच जिहड़ियां इन्हां ने हरकतां यूज़ कीतियां, जिहड़ियां गरारियां जिहियां लाईआं, सीरियसली मैनूं तां बहुत अच्छियां लगियां यार। ओह मतलब इन्नी वधिया आवाज़ निकली, ठीक है। सैकेंड नंबर 'ते जिहड़ी इह कंपोजिशन है, ये बड़ी इमोशनल है
है ना, जो वर्ड्स है, जो लिरिक्स आ, उन्हें लिरिक्स नू जदों आप बोलते हैं है ना, जदों उन्हें प्रोनाउंस करते हैं, जदों उन्हें आप गाने हैं, तो ये अपने गाने के ढंग से मतलब डिपेंड करता कि कितना इंपैक्ट पै रहा अगले बंदे ते सुनने वाले ते, ठीक है भी उस टाइम उस चीज़ नू जेकर इन्हां दी सिंगिंग वधिया है ना ते ताई वो अपने इंपैक्ट पिया आपां बिल्कुल सुन हो गए वीडियो दे विच है ना, इन्ने इन्ने मतलब ध्यान नाल वीडियो नू देखिया, वो इसे करके होंदा क्योंकि शी इज़ अ गुड आर्टिस्ट। ओके एंड जिहड़ी नैक्सट गल आ गई वीडियो दी, जो जो लिरिक्स आ है ना कि पुत्र हड्डां ते नहीं मिलदे, बहुत बहुत ही एक सच्चाई है, अटल सच्चाई है। तो जिदा कि ये सोंग बाकी भी बड़े जने मेरे ख्याल इदा के सोंग गाँवे है, पर अज के सोंग में जोड़ा एक थीम बनाया गया, कॉन्सैप्ट बनाया गया, वो आर्मी के जोड़े शहीद होंगे जवान उन्होंने बनाया गया। तो बाकी सही गल है यार, ये नहीं है कि वह पाकिस्तान की आर्मी है तो उतों के शहीद हुए जवानों का सानू दुख नहीं होंगे, जवान जितों का मर्जी होवे, इंसानियत जिथे की मर्जी होवे, कि जेडे मर्जी धर्म का बंदा होवे, जदों वो शहीद हो रहा आपके देश लिए तो आपां नूं यार उस चीज़ का दुख जरूर हुंदा कि हाँ भी एक बंदे की जान चली गई है ना, वो क्योंकि बाकी जिहड़े बंदे की जान जाती है वो घर वालों नूं पुछ के देखो कि उन्हूं कितना घाटा पिया उस चीज़ का है ना। आपां तां कह दिंदे आ, मीडिया भी कह दिंदी है, मीडिया में सब पासे लोग बोलते हैं, जिहड़े न्यूज़ चैनलों पर जिहड़े 6-7 जने बह के आपस में जिहड़े बहस बसाई करते हैं है ना, वो तो बोल देंगे कि पाकिस्तान नाल वार चाहिए है, इंडिया नाल वार चाहिए है, दोनों देशों इदा हुंदा। पर उन्हें पुछ के देखो ना, जिहड़े जिन्हां दे पुत मरदे आ, जिहड़े मावां दे पुत मरदे आ, जिन्हां दा भरा शहीद हो गया, जिहड़ी एक नवा नवा विआह होया हुंदा ते वोटी घर बैठी हुंदी है ते उहदा घर वाला जो न्यूली मैरिड कपल हुंदा वो घर वाला शहीद हो जाता, उन्होंने पुछ के देखो की दुख है कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर होनी चाहिए है कि नहीं होनी चाहिए। ये जिहड़े बंद कमरों के बह के कैमरों के अगे बड़िया वड्डिया वड्डिया गल्लां कर देंगे ना, उन्होंने कहो एक दिन बॉर्डर पर जाओ, ठीक है, उत्थे जाके एक दिन बिताओ, फिर तुहानू पता लगेगा बिना सिक्योरिटी तो भी, ठीक है, तो फिर गल्लां करो वाली वॉर चाहिए, सानू वॉर चाहिए है, जिहड़े इदां दीआं गल्लां करदे आए उन्हां दे लई सी। सो बाकी उन्होंने सारे का थैंक यू कहना चाहूँगा जिहड़े अपने चैनल में प्यार करते हैं, जिहड़े एक जो अपना चैनल पर आप अमन शांति का पैगाम दें साडी सपोर्ट करते हैं, वधिया आपां नूं रिस्पोंस मिलता, वो थैंक यू यार तुहाडा सारिआं दा। तो जिहड़े इदां दे सोंग है ना, इदां दे सोंग्स ते रिएक्शन जरूर बनाउणा चाहिए, जिधर जिन्हें भी साडे इंडिया में रिएक्शन कम्यूनिटी के लोग हैं, मैं सारिआं नूं कहना चाहूँगा कि तुसीं इदां दे सोंग्स ते रिएक्शन जरूर बनाओ, क्योंकि लोड़ है यार, सिर्फ आए नहीं कि पाकिस्तान की ऑडियंस नूं आपां इह चीज़ दिखाउणी है, इंडियन ऑडियंस नूं भी इह चीज़ देखनी चाहिए है, जिन्हां दे लोकां दे विच मना दे विच एक गलत भावना बनी हुई है ना कि सानू वॉर ही चाहिए है, वो उस गल नूं खत्म करना चाहिए आपां नूं, क्योंकि वॉर किसी भी मसले का सल्यूशन नहीं है, एंड वॉर तो लग ही नहीं सकती क्योंकि दोनों कोल जो एक एटम है परमाणु हैगा दोनों कोल ही है, सो दोनों देशों कोल है, सो वॉर तो मेरे ख्याल पॉसीबल ही है नहीं गी है ना फॉर द टाइम का। एंड जिहड़ी अज दी वीडियो दी गल करिए, सिंगिंग हादिया हाशमी दी ग्रेट है यार, मतलब वो बच्ची बहुत वधिया है, एंड गॉड गिफ्टड उन्हां कोल जो वॉइस है, उन्हां दी जिहड़ी टोन आ, मैनूं इन्ना पता कि जदों मैं कोक स्टूडियो दे विच इन्हां दी आवाज़ सुनी सी उहदे नालों कई गुणा बेहतर मैनूं अज दी इन्हां दी इस परफॉर्मेंस जिहड़ी इन्हां दित्ती है, ये परफॉर्मेंस मैनूं लगी, इहदे विच इन्हां दी टोन मैनूं बहुत अच्छी लगी, इन्हां दी जिहड़ी वॉइस दी क्वालिटी आ वो मैनूं जबरदस्त लगी, एंड मैनूं ये लग रहा है कि लाइव नहीं गा रही, ये एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग हुई हुई है, क्योंकि जिस ढंग नाल इन्हां ने की कहते होंगे उन्होंने बुरकियाँ कहें होंगे शायद ज हरकत कहें, आई डोंट नो, मैंने अमरीकी में नहीं पता, बट इन्होंने जिस ढंग गाया ना जी क्वालिटी निकल के आ रही थी इन्हों की टोन की वो सी एक स्टूडियो क्वालिटी, तो मैंने लग रहा है लाइव नहीं है, बट इन्होंने लाइव में वो चीज़ की है, इट मीन के शी इज़ द बेस्ट सिंगर, यू नो बेस्ट। इन्हों की एज में मेरे ख्याल पाकिस्तान के सिर्फ एक यही कुड़ी है जी इन्ना वधिया गाँवी है, मेरे ख्याल होर इन्हों के मुकाबले की हजे तक कोई कुड़ी नहीं है इन्हों पाकिस्तान के है ना, तो इंडिया के काफ़ी इदा के बच्चे जोड़े वधिया गाँवे है, क्योंकि इंडिया के रियलिटी शोज़ ज़्यादा होंगे रेंदे है, दैट्स वाई इतों ज़्यादा जोड़ा टैलेंट है निकल के सामने आता, पाकिस्तान इदा के शोज़ मेरे ख्याल घट होंगे, दैट्स वाई जो टैलेंट है वो निकल के नहीं आता, बट एक गल य भी है कि
जिहड़े पाकिस्तानी बड़े भी बड़े आर्टिस्ट है जिहड़े बॉलीवुड दे विच काम करदे आ। सो नो डाउट कि इंडिया ते पाकिस्तान दे विच बड़ा टैलेंट भरिया पिया, बहुत ज़्यादा टैलेंट भरिया पिया। गल हुंदी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दी, वो किसी नूं मिल जांदा किसी नूं नहीं मिलता, किसी नूं जल्दी मिल जांदा किसी नूं देरी नाल मिलता। सो गाइज एनीवेज जिद्दां भी सी अज दी वीडियो मैनूं तां ऑसम लगी, तुहानूं कितना लगी मैनूं नीचे कमेंट करके जरूर दसो। तो अज दी वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट करना बिल्कुल नहीं भुलना, तो अपने चैनल नूं कर लो सबसक्राइब होने, ठीक है, क्योंकि आपां इस चैनल ते करदे आं रिएक्शंस सब तरह के। सो डू सबसक्राइब नाउ एंड पंजाबी रील टीवी अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलो करके रिक्वेस्ट करनी ना भूलो। तो असी मिलेंगे तुम्हें किसी होर वीडियो के, तद तक लिए मिलो इजाजत, सत श्री अकाल, चक्की रखो इदा ही कम।